बुरहानपुर की जिले की बहुचर्चित रिश्वत कांड मामले में शनिवार को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश तपेश कुमार दुबे की अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायाधीश ने नगर पालिका नेपानगर के तत्कालीन सीएमओ सुधाकर कुबड़े के ड्राइवर अनिल गांबड़े को 4 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 2000 रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है। लोकायुक्त पुलिस ने गांबड़े को सीएमओ की ओर से 12,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। जिला लोक अभियोजन अधिकारी कैलाशनाथ गौतम ने बताया कि 13 नवंबर 2014 को नगर पालिका नेपानगर के सप्लायर अजय ओसवाल निवासी बड़बाह जिला खरगोन ने लोकायुक्त पुलिस इंदौर को लिखित शिकायत की थी, जिसमें बताया गया था कि वह नगर पालिकाओं में सामग्री सप्लाई का कार्य करता है। उसने नेपानगर में लगभग 1,80,000 रुपये की स्वच्छता सामग्री, जल संधारण और विद्युत सामग्री सप्लाई की थी। वेट टैक्स और TDS काटकर लगभग 1,75,000 रुपये का भुगतान करने के बदले CMO कुबड़े 32% यानी कि तकरीबन 56,000 रुपये की रिश्वत की मांग कर रहे हैं। ये श्री तपेश कुमार दुबे विशेष न्यायाधीश लोकायुक्त के द्वारा सजा दी गई है। आरोपी अनिल गवांडे को धारा 13(1) एवं 13(2) में, 13(2) भ्रष्टाचार अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में 4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।